गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेस्ट प्लस टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो डिजिटल लेन देन तो आप समझ गए होंगे, यानी कि यूपीआई से, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो बेंगलुरु जो शहर है वो शीर्ष पर रहा है डिजिटल लेन देन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो नरेंद्र सिंह तोमर है ये किस विभाग के मंत्री हैं, तो ये भी आप मुझे बताइए। नेक्स्ट है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आशा भोसले जो कि एक गायक कलाकार है, उनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अवार्ड भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजित किया है। क्योंकि भारतीय नौसेना ने किया है, यानी कि जो जल सेना है, जल सेना को ही नौसेना कहा जाता है, तो इसने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है प्रस्थान आयोजित किया है। तो कहाँ पर किया है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है, कहाँ पर भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी। तो जो कि थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, और बैंकॉक काफ़ी फेमस भी है, ठीक है, गलत भी मैं मत लेना, वैसे ही काफ़ी फेमस है बैंकॉक। तो भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है, वहां पर आयोजित किया जाएगी। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। तो ओडिशा जो राज्य है वो जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा, और ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा वन लॉन्च किया है। तो पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा वन लॉन्च किया है, तो ये देश है केन्या, ये एक अफ्रीकन देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अफ्रीकन देश केन्या ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा वन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है। तो इस बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने इंडिया का पहला बायोमेट्रिक, यानी कि अंगूठे के निशान से प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है, तो वो है सिटी यूनियन बैंक। तो ये बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, कि हाल ही में किस बैंक ने अपना पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है, तो सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने फैन ग्यूआन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। तो ऐसे अजीबोगरीब नाम मिले ना आपको, तो समझ लेना वो चाइना ने किया है। किसने किया है, चाइना ने। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। तो वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कर्नाटक से की है, और हाल ही के अंदर सर्वे में बताया गया है कि जो कर्नाटक राज्य के अंदर बीजेपी है वो समाप्त होने वाली है, ये सर्वे के मुताबिक ये पता लगा है। तो इसीलिए शुरुआत भी कहाँ से हो रही है, पहली बार वोट फ्रॉम होम की कर्नाटक चुनावों से, क्योंकि इसके चुनाव अभी हाल ही में होने वाले हैं। थैंक यू।